फिर नहीं देता है, दो महीना देता है तो दो महीना छोड़ देता है, तो रुक जाता है कभी कभी। और इधर सरकार गिराने का आए दिन प्रयास, कभी इस विधायक को खरीदो, कभी उस विधायक को खरीदो, यही इनका काम है। गरीब गुरुआ, इस राज्य के किसान मजदूर दलित पिछड़े नौजवानों के बारे में इनको सोचना नहीं है। इनको हर हाल में, जहां इनको सरकार से बेदखल कर दिया गया, चुनाव में हार गए, वहां पर एन केन प्रकार सरकार गिराओ, विधायक खरीदो और सरकार बनाओ, यही काम में लगा रहता है लोग, और कोई काम नहीं। देश जाए भाड़ में, राज जाए डूब, लेकिन अपना सरकार बने रहना चाहिए, यही इनका सपना है। इस राज को जो आवाज देने की योजना है, हम लोगों ने राशन कार्ड दिया पेट भरने के लिए, पेंशन दिया घर द्वार चलाने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़े दिए, अब हम लोगों ने आवाज शुरू किया। पहले प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिलता था, जिसको कॉलोनी कॉलोनी लोग बोलते हैं गांव में, हम लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहे कि केंद्र सरकार का जो हिस्सा है प्रधानमंत्री आवास में, उसका हिस्सा हमें दो, और हम अपना हिस्सा लगा करके जो केंद्र सरकार ने लिस्ट बनाया था 4 लाख गरीबों का, उसको हम लोग आवास देंगे। लेकिन वो पैसा हमें नहीं मिला वो पैसा, बल्कि हमारे बगल में जो बीजेपी का सरकार चलता है यूपी में, वहां दे दिया। विभागीय मंत्री, हम भी पदाधिकारी भी दिल्ली जाते थे, दिल्ली आते थे, दिल्ली से आना जाना ये सिलसिला चलता रहा कि कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। आखिरकार इन लोगों ने हाथ जोड़ दिया कि नहीं देंगे, तो हम बोले ठीक है मत दो, अब हम लोग अपना जुगाड़ करते हैं। हम लोगों ने अपना सर्वे कराया, उनका सर्वे में 4 लाख गरीब था और हमारा सर्वे में 20 लाख से अधिक गरीब है जिसको आवास की आवश्यकता है, और उन सभी 20 लाख को आवास देने का संकल्प भी हमने उठा लिया। और आने वाला 5 साल के अंदर उन 20 लाख परिवारों को पूरा आवास देकर पक्का मकान बनाने का योजना तैयार हो चुका। हर साल अलग अलग चरणों में लोगों के आवास बन रहे हैं। कई सारी फूलो जानो योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम